तो आज की वीडियो में ये जो टमाटर के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है अपना, और इसके लिए उपाय, इसको पहले तो सबसे पहले प्रूनिंग कर लेते हैं। प्रूनिंग करने के बाद अच्छे से इसको गुड़ाई कर लेंगे। आज के वीडियो में गुड़ाई करके बढ़िया से ये कर लेंगे। सबसे पहले तो प्रूनिंग करना ज़रूरी है और उसकी गुड़ाई करना ज़रूरी है। गुड़ाई भी कर लेंगे और मल्चिंग भी, प्रूनिंग भी बढ़िया कर लेंगे, मतलब प्रूनिंग भी कर लेंगे। ये देखिए पूरा घना घना उग रहा है अभी, यहाँ पे गेहूँ उग रहा है पापा के लिए, तो गेहूँ तो इसको अभी स्टार्ट कर देते हैं। प्रूनिंग करना पहले, सबसे पहले फिर उसकी गुड़ाई कर लेंगे। सबसे पहले काट डालो, काट काट के अच्छे से ये कर लेंगे, प्रूनिंग कर लेंगे पूरे इसकी, क्योंकि इसको टमाटर लग रहे हैं अभी, अच्छे खासे टमाटर आ रहे हैं। और पेड़ भी इसमें बहुत घने हैं, पेड़ के बारे में बताओ तो बहुत ज़्यादा घने हैं पेड़ है इसमें। तो अभी इसको अच्छे से और पूरे इस पर बांध देंगे। अब उनको फल चाहिए इससे, जो पौधे सूख रहे हैं वो निकाल लेंगे अब। पूरे टमाटर की इसकी कर लेंगे ऐसी, एक टमाटर पका है इसमें, छोटा सा ही पका है। देख सकते हैं इसके हमने प्रूनिंग कर ली है पूरे पेड़ों की, ये ऐसी कचरा निकल गया है, सूखा कचरा वगैरह प्रूनिंग करके अभी इसको पूरे अच्छे से बांध देते हैं सभी स्टेज पे, और अच्छे खासे इसको ये कर देंगे पूरा। और क्या हो रहा है कि वो टमाटर के पेड़ में बहुत कम धूप जा रही है, तो इसलिए पहले प्रूनिंग करके उसको अच्छे से हर स्टेप पर बांध देंगे अच्छे से। वीडियो में बने रहिए, फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों। इसके पहले भी हमने टमाटर के बहुत हैं, उसमें बहुत सारा सब कुछ बताया है हमने।
देख सकते हैं हमारे वीडियो। चलो फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों।